हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओके वोल्टेक में। ये हाइबा सिग्ना का है 49-80। गाड़ी में दिक्कत है कि अल्टरनेटर का बत्ती बंद नहीं हो रहा, तो इसको अभी हम खोल करके चेक कर रहे हैं। पकड़ो मोबाइल, देखो बढ़िया से दिखा। खोल, सबसे पहले हम खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। बत्ती कभी भी नहीं बंद होता है तो कटआउट या तो इलेक्ट्रीफायर प्लेट का दिक्कत रहता है। ये कटआउट है, ये इलेक्ट्रीफायर प्लेट है। बढ़िया से दिखा हमें ये दोनों स्क्रू खोल करके, यहाँ एक 8 नंबर खोल करके इसको बाहर कर लेते हैं। ये कटआउट है मेरा, अभी एक एक करके चेक करेंगे। सब स्क्रू हम खोल लिए, एक यहाँ एक यहाँ, इधर चारों सोल्डिंग छोड़ाएँ और पंखा लगा देंगे। अभी अपने पंखा लगा देंगे, सारा चीज़ लगा देंगे। सोल्डिंग चारों छोड़ा करके इसको भी ठोक करके बाहर निकाल करके स्टेटर रिंग चेक करेंगे, रूटर चेक करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फायर प्लेट है और ये कटआउट है। सबसे पहले हम रूटर चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में सेट करके सही रहेगा तो बीप का आवाज़ आएगा इसमें। बीप का आवाज आ रहा है, इधर दिखा ना बढ़िया से। इसका बॉडी ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं, ये ठीक है मेरा। कटआउट का काम क्या है कि ये दोनों कार्बन पे जब लगाइएगा कंटिन्यूटी में सेट करके, तो एक साइड से बताना चाहिए रीडिंग और दूसरे साइड से नहीं बताना चाहिए, आ करके चल जाना चाहिए। इधर आ करके चल जा रहा, देखिए। अब तार पलट के लगाइए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर से कंटिन्यू दिखाना चाहिए। तो ये कटआउट मेरा ठीक है। अब स्टेटर रिंग भी चेक करेंगे, देखिए एक तार यहाँ पकड़ के, और सबसे पहले ग्राउंड चेक करेंगे, ग्राउंड ले रखा है। ठीक है, यहाँ लगाइए और सब में आना चाहिए बीप का आवाज़। तो ये भी मेरा ठीक है और कटआउट भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर प्लेट चेक कर लेते हैं, रूटर भी ठीक है। इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। सबसे पहले हम नेगेटिव वाला चेक करेंगे। ये देख रहे हैं बटन, यहाँ पे एक लगाइए ग्राउंड और यहाँ पे इसको टच कीजिए। दिखा पाए बटन और डायोड का काम क्या है कि एक साइड से बताएगा और दूसरा साइड से नहीं बताएगा। एक साइड से ये रीडिंग दिया, दूसरा साइड से नहीं दिया, इधर से भी नहीं दिया, इधर से भी नहीं दिया और इधर से भी नहीं दिया। अब इसको लगाएंगे मेन में, इधर से सब में दिखाएगा, दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। ये चेक हो गया, अब अंदर वाला चेक करेंगे। ये वाला दिखा भाई बढ़िया से, ये पॉजिटिव, 4 नेगेटिव बाहर है, 4 पॉजिटिव अंदर है। पॉजिटिव वाला चेक करने के लिए इस पर लगाइए और इस पर टच कीजिए। एक साइड से दिया, दूसरा साइड ठीक है, ठीक है। इन्हें बता रहा है, ये उड़ा हुआ है इसलिए नहीं बता रहा। इसको चेक कर लेते हैं, एक साइड से बताएगा, एक साइड से नहीं बताएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फायर प्लेट का पॉजिटिव वाला ही बटन उड़ा हुआ है। दूसरा लगाएंगे, ये देखिए ओरिजिनल है। दूसरा है ओरिजिनल लुकस टीवीएस का, कभी भी माल डाले तो ओरिजिनल ही डाले, ये देखिए। और ये इसका है और ये इसका डब्बा है, पार्ट नंबर भी इसका। यही का डब्बा कटआउट, ये पुराना वाला निकाल करके अब नया वाला फिटिंग करने के लिए जा रहे हैं हम। सबसे पहले इसको बैठा लेंगे और ये ध्यान देना कि एक दो, अरे एक यहाँ पे इसका एक और था गुटकी,
तीनों गुटकी चाहिए इसका। तो ये इसको अब बढ़िया तरीके से पहले हम डाल लेते हैं। देखिए ये मेरा फिट हो गया। अब इसको सोल्डिंग करेंगे, एक तार यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके सोल्डिंग करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। एक एक करके तार लगा लिए इस पर सोल्डिंग करने के लिए बचा हुआ है। देख दोस्तों, एक एक करके सारा मैंने सोल्डिंग कर लिया बेहतरीन से सोल्डिंग वायर से। इसको कभी भी अगर सोल्डिंग करें तो पूरा मजबूती के साथ करें, वरना कभी भी यहाँ से डिसकनेक्ट हो सकता है और आपका मेहनत पानी में जा सकता है। इसीलिए कभी भी ऐसा लापरवाही तरह काम ना करें। इसमें कभी भी वेल्डिंग करें तो बढ़िया सोल्डिंग करें और बढ़िया सोल्डिंग वायर बेस्ट यूज़ करें। सिग्नो 49 का साहिबा का अल्टरनेटर है ये। इसमें दिक्कत नहीं कि बत्ती बंद नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फायर प्लेट ख़राब हो गया है और ये इसका कटआउट है। ये इलेक्ट्रिक फायर प्लेट नया लग रहा है, इसको अभी हम नया सोल्डिंग किए हैं। और ये इसका है, इसका दाम कभी भी देखिए 1957 रुपये प्लेट है। ये लुकस टेपिया से कभी भी ओरिजिनल डालें, देसी ना डालें, देसी क्योंकि ना चलेगा। इसमें यही है भाई, ये इसका रूटर है। मोला पकड़ देखा, ये इसका कम्यूटेटर बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे। ये अल्टरनेटर को इसमें सेट कर दिए हैं, बस इसमें एक काम बच गया। काम बच गया मेरा यही कि देख सकते हैं इसमें कार्बन बिल्कुल कम हो गया है। इसमें हम कार्बन लगाएंगे लुकस का ओरिजिनल। ये कार्बन इसमें सेट करेंगे, बस इसको चेंज करने सेट करने के लिए, क्योंकि ये कटआउट महंगा आता है समझे। तो इसको इधर से ढककर ये खोल दीजिए, तो बड़ी बात नहीं है। और ये कार्बन जिसे हम लोग 83-62 में कटआउट में चेंज करते हैं, उस प्रकार से इसको भी चेंज कर दीजिए और कभी भी डालें तो ओरिजिनल कार्बन डालें। दिखाते हैं आपको, ओरिजिनल कार्बन ही यूज करते हैं हम कभी भी। जेन्युइन सामान डालने से भैया कुछ अलग ही खासियत होता है जेन्युइन सामान का। देखिए ठीक है, तो अभी इसको हम कार्बन भी चेंज कर देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके वोल्टेज में। ये सिग्ना 49 हाइबा, तो उसमें अल्टरनेटर का कटआउट रेगुलेटर, अल्टरनेटर कटआउट रेगुलेटर इसका लुकस टीवीएस का है। ये इसका अल्टरनेटर है। इसका जब कार्बन ख़त्म हो जाता है तो क्या करते हैं बहुत सारे भाई लोग, क्या करते हैं कि डायरेक्ट कटआउट चेंज कर देते हैं। तो भाई पहले सबसे पहले इसको चेक कर लीजिए, अगर ये सही है तो इसका कार्बन ही चेंज कर दीजिए। इसका कार्बन चेंज करने के लिए ये इसका बाहर से निकाल करके गोल वाला और इधर से सोल्डिंग छुड़ा करके इसमें कार्बन दो आप लगा सकते हैं अलग से। बस यही मैटर है इसका और कोई मैटर नहीं है। रॉड मेरा लग करके रेडी हो गया। एक यहाँ पे स्क्रूप लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ 8 नंबर का लगा, यहाँ लॉन्ग गोटी लगता है। अब ये दोनों इसका लगाएंगे इलेक्ट्रिक फायर प्लेट को। लुकस का है तो चेंज हो जाता है, अगर माइक्रो का रहता है ये तो पूरा प्लेट समेत चेंज होता है, लेकिन ये लुकस का दिया है तो ये ठीक है। अपना लुकस कंपनी बढ़िया है भाई, लुकस में कोई प्रकार का शिकायत नहीं है। क्या कहें, थोड़ा अकेला आदमी है, वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत है भाई। देख सकते हैं आप कितना परेशानी हो रहा है। तो कंप्लीट करके आपको हम बताते हैं। अब मेरा हो गया कंप्लीट। ये रबर भी बैठा दिए, ये रबर इस तरह करके निकलता है और ऐसे करके बैठता है ये।
बचाता है। अब ये कवर लगाएंगे फिर अल्टरनेटर चेक करेंगे। इसमें हमको अभी एक काम और करना पड़ेगा, ये 10 नंबर और ये इसमें वाइसर, जिसमें ये गुटकी लगा हुआ है ना, देखिए ये वाला जो लगा हुआ है खोल करके लगाना पड़ेगा, ये भी खोल करके लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये ओरिजिनल में नहीं आया है। तो इसको खोल करके इसमें हम चढ़ा लेते हैं। देखिए अब लग गया इसमें भी और इसमें भी, इसको खुल गया। अल्टरनेटर तो अब कंप्लीट हो गया भाई, इसको चेक करते हैं फिर देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। सबसे पहले इसको नीचे ही हम चेक कर लेंगे। अल्टरनेटर हो गया कंप्लीट, अब देखते हैं आरपीएम। नहीं जा रहा है, खाए लेना क्यों कह ले।